चल अपन स्टार्टिंग तो कर दे दोबारा। सो ओही ओके कि पैराग्राफ ते ऑप्शन ते पैराग्राफ ऑप्शन हम तेनु दो में इकट्ठे दिख रहे तो सोखा रहेगा। हाँ जी सर, वो ना असल बिल्कुल चीन दा है पीछे। हाँ जी, फ्लिप कर ले दो उसे टाइम। हुन ठीक हाँ जी सर, हूँ ठीक है। है। ए पढ़ो आराम ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर अपन गल करेंगे। मैं जो कहते आप पढ़ता हूँ ना, मैं आवाज बंद कर देना हूँ ना। सो देख लिया तो ए पढ़ लिया सही तरह? हाँ जी सर, पढ़ लिया होया कि यही दस्या देखो होया कि देख कोई लगती है कहते मिलती ऑप्शन। सर मैनू नहीं लगता। मैनू भी नहीं लग रहा ऑनेस्टली। वैसे तो मुझे एज कोई वर्ड समझ नहीं आया था, मैंने दस दे। नहीं सर, वर्ड समझ विच आया वा सरी। मैनू भी नहीं लग रहा कोई ए। बाकी हो सकता है बाद जो गलत भी निकल आई है। सबसे पहले बी पढ़ दे फिर देखो। हाँ जी सर, पहला भी देखते हैं। मैं आवाज बंद कर रहा हूँ, मैं जो बोलूंगा वो तो बोलना। हाँ जी अनु, लगता बी था कोई। सर एक तो मेनू लग रहा है 17th। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ओके एक मेनू सर वो लग रहा कोई नहीं। अच्छा ने क्या आया थे एन नोटा बेने कि यूज कर सकते एक लेटर ज्यादा टाइम। है। हाँ जी, एक सर मेनू 15th लग रहा। देख 15 तो मैं भी तेरे ना अग्री करता कि मैनू भी लग रहा है, क्योंकि मैं तुम दसदा क्यों। एक सेकंड एक हाँ पॉइंट जी, उत्तों डिस्कार्ड्स देम सॉर्ट देंदा, नाले शो भी मतलब कुछ रीजन भी होएगा। सो वो तो हाँ जी हैगा। सर,
ਇੱਕ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸੈਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬੋਲੋ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੀ। ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝਾਉਣਾ। Summer leaves are green because they are full of chlorophyll. Unna chlorophyll hunda hai, the molecule that captures sunlight and converts the energy into the new building materials for the tree. Okay. Okay haga theek hai. Lag reha mainu pehli line hai. Haan ji. Sir, wohi ki matlab ki ki karta hai chlorophyll? Ek minute. चलो हजले ला लेने फिर। हाँ जी सर, उन्होंने ये भी क्या है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। वो तो ठीक है, मैंने लगा कि हो सकता है जैसे पैराग्राफ से क्लोरोफिल दे फंक्शनिंग भी ज्यादा डिटेल होए, ऐसे एक लाइन है ना, बट कोई कतरा पॉइंट कि एक जगह पे क्या हो सकता है। हाँ जी सर, जैसा विच पैराग्राफ कंटेन्स जो थे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स साइज फर्क होता है ना, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स से पक्का है अपना पूरे पैराग्राफ में कवर करना है, उस पैराग्राफ में पैराग्राफ कवर कर सकते हैं, लेकिन एक तो जगह पे आवाज करना। हाँ जी सर, चलो आगे सी पढ़ते हैं फिर। हाँ जी, उन्होंने लागे हाँ जी सर, केला इंस्क्रिप्शन ऑफ द सर 14-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਲੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ। ਹਾਂ ਜੀ, सर एक मिनट। सम एविडेंस टू कंफर्म अ थ्योरी अबाउट द पर्पस ऑफ, जो तक मैं बोल रहा हूँ माइक ऑफ कर, मैं रिपीट हो रहा हूँ। सम एविडेंस टू कंफर्म अ थ्योरी अबाउट द पर्पस ऑफ द रेड लीव्स
देख कोई इतने एविडेंस नहीं देती हुई है. द सोर्स ऑफ रेड इज वाइडली नोन. इट इज क्रिएटेड बाय एंथोसायनिंस, वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द रेड टू ब्लू रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स नोन एज ब्ला 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 फ्लेवोनॉइड्स. व्हाट्स पजलिंग इज दैट एंथोसायनिंस आर एक्चुअली newly minted, made in the leaves at the same time as the tree is preparing to drop the. But it is hard to make sense of the manufacture of anthocyanins. Why should a tree bother making new chemicals in its leaves when it's already scrambling to withdraw and preserve the ones already there? हाले कोई evidence नहीं मिली कि इतना क्यों होता है या किसी चीज़ थी. इतने बस उन्हें क्या कि एक substance होती है तो अगर उन्हें quiz कंधे अपनी डाउट ज्यादा रखता है कि इन्होंने बनाने की लोड की सी इन्हों जो इन्होंने अपने केमिकल नहीं सामने जा रहे उन्होंने को. सो मैंने सिर्फ 14 लग रहा है कि इट द सोर्स ऑफ रेड इज वाइडली नोन दिस. हाँ जी सर, मैंने पहले ही दोनों से कंफ्यूजन सी 14 16 के बीच. जो कंफ्यूजन होए ना वो साडे ब्रेन दी कहंदे मैंने पता प्रॉब्लम हुंदी है. उदों ना फिर दोवां चुक ना एक नुक्स कढ़ना शुरू करदा कि देख एविडेंस दित्ती हुई है नहीं देती ना बस गल खत्म. एविडेंस तो प्रूफ प्रूफ तो देता नहीं कोई. समझ रही? हाँ जी सर. अच्छा हम डी पढ़ते. सर वेट एक सेकंड, इतनी ना डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है. हाँ जी, लग रहा कोई? और सर एक मिनट में पढ़ रही सी. सॉरी सॉरी पार्डन. सर 18 मैनू भी लगा क्योंकि डरांदा पिया ना कि हानू किन्नू पला हाँ फंजाए ते जी इंसेक्ट्स नो. हाँ जी, वो भी फर्स्ट लाइन विच ही कह रहे हैं. मैंने भी लग रहा सी. सो एक बार देख लिया पक एड़े कड़े लाए ही अपन लाया ही सी बी फिर बी डी एक को बच छड़िया सी. ठीक है यस सर. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 14 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਚ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਐਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਚਲ ਈ ਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹਜੇ 16 ਹੈਗਾ ਹੈ. ਚਲ ਸੋਰੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ. ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ. ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ.
ओके सर। सर ये तो नहीं मैनू लग रहा कोई भी। पता क्यों उन्हें क्या ही कोई एहो जी एविडेंस जिहड़ी कंफर्म करदी पई है, एने तेन एविडेंस झूठा ही पाता इत्थे। ये देख द फ्लो इन दिस थ्योरी नुक्स कटता, हाँ जी सो वो तेनी लगेगा फिर एफ पढ़ दे फिर। ई होर भी किसी जचदा नहीं मेरे कर। हाँ जी सर। वैसे जेड़ा डी दा ही ओदा मतलब अगे मे बी इन्होंने सॉल्यूशन दसया होया वा। नहीं, मेरे ख्याल बकरी बकरी थ्योरियां दसते पे, रेड एस करके रेड उस करके उस सब से नुक्स कड्डी जा रहा। लेकिन एदे च हाँ इन्हें यह नहीं जी कहा कि रेड कलर के लिए वार्निंग बनता, और तो डीज पे क्या थी ना रेड कलर इंसेक्ट्स नु डरांदा। हाँ जी सर। एफ देखते हैं। ओके सर। एफ विच भी नहीं हुई क्योंकि ये मैं विच पढ़ रहा, रुक जा रुक जा, ओनली। मैं कह रहा मैं रुक जा रुक जा। सॉरी सॉरी सर सॉरी। एफ काफी हद तक लग भी रहा, लेकिन कुछ उन्हें ना विच क्वेश्चंस पार्क थोड़ा डरा भी दिता। सो अपन पहले हाँ अगे एफ जी एफ नो ला लेने हैं, टिक बाद तो देख लांगे दोबारा। ओके सर। जी वगैरह पढ़ो। उन जी जी चाहे तीनों पढ़ ला फिर अपन गल करते, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ओके सर। आई थिंक एच तेनू की लग रहा है? जी मैंने भी सर एच ही लगा क्योंकि क्योंकि जी हाँ विच बोलो। सॉरी सर क्योंकि जी विच कोई गल ही नहीं हुई वो पूरा मतलब क्लोरोफिल ते ही कमाई जान दिया गल ते एच बिल्कुल। विच हुई सी सर। एक दा फर्स्ट लाइन तो भी क्लियर हो रहा है। रेड कलर का पर्पस की उधर थोड़ा आ रहा है ज्यादा क्लियर। हाँ जी सर।
तो मैं एक मिनट बुक तो ना आंसर्स कंफर्म कर लेना, एक मिनट ओके सर। मैं तुम्हें बोल लूंगा आंसर्स में। एक 14 तो 18 अपना टेस्ट नंबर कितना है, बुक तो 10 है कि नहीं याद है, टेस्ट 3 तो कंफर्म कर दी पे, ठीक है। ओके सर। यार इतने पूरी खुलनी, देखो करें चेक। सर लास्ट वाला अपना गलत है, सी बीवी या एच बी, लास्ट वाला गलत है अपना, अपा डी लगाया है दोबारा बट देख लेना, ई बनाया। दोबारा देख लेना, प्रैक्टिस में अपना इतना जोश नहीं ना होता, तो कई बार गलत हो भी जाता, तो कोई चक्कर नहीं। हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम। ਐ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। सर पेड मैं देख अटेंशन टू रहा, सच, देख रहा, मैं समझ रहा, समझने की कोशिश कर ला, एक मिनट रुक जा, मैं करता हूँ, सॉरी रुक। सर। ओके ओके जो मैनू सही लग गए गल, वो पता की है कि जे मैं कुछ इस टाइम तक अपनी कोई सजेशन दे सकदा, इन्ने इहदे पर्पस दी गल, इन्ने इहदे पर्पस दी गल कीती है एंथोसाइनेंस दी, लेकिन जेड़ा ई हैगा वो डायरेक्टली किहदे पर्पस दी गल कर रहा है।
हाँ समझ रहे, वार्निंग कर दो, डिफेंस कर दूंगा, जी ठीक है, सर। बाकी तो ठीक है गई आई थिंक, है ना। हाँ जी बाकी सही सी। हुण ए तो मैं तेनू एक कहंदे कुछ कहंदे सिखाना चाहवांगा, ए जिहड़ा जिद्दां मेरे को गलती हुई है, ए तो मैं तेनू पहले तो ना ए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सारा, हाँ जी सर। एक मिनट रुक। कई बार की होंगे स्टूडेंट्स के जो कहते अपना प्रैक्टिस वाले मार्क्स नहीं ना आते, थोड़ा हो जाते मायूस से कि सू चीज़ आती नहीं गी, वो जी पेपर वाली एनर्जी होंगी ना वो हर टाइम महसूस नहीं हो सकती। मैं एक मिनट माइक ऑफ कर चुका, मैं बोलता पाया। ओके सर। उन्होंने पेपर की एनर्जी तो इतने की एनर्जी से की फर्क होंगे कि हुण मेरे को भी तो करते करते गलती हुई ना समझाने, लेकिन जो रियल एंथुजियाज्म हुंदा जो पेपर दे रहे हुंदे हैं उदो कुछ चीज़ अलग हुंदी है। देख एकेडमिक आयल्स रीडिंग साढ़े 8, जनरल हाँ जी सर। ट्रेनिंग रीडिंग 9, एक बोल ना जी, मैं तुम्हें तो कहूंगा तो बोलना। एकेडमिक अगेन तीजा जरा है सी, मतलब दूजा सी है, तीजा दूसरा पहला वाला ही रीडिंग 8.5 ते इवन ही सारे भी इदा हो सकते कि रीडिंग 50-47 वगैरह। सो अपने को जो अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना उदो जो गलतियां हो भी जाती है ना, सानू बस एक चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि जिहड़ी साडे को कहिंदे लैक ऑफ एंथुजियाज्म कारण गलती हुई भी है कि उहनू साडे जदों जिहड़ा सी जिहड़ी सही चीज हैगी है, जदों साडे को एनर्जी होएगी, साडे को एक्साइटमेंट होएगी, आपां उहनू सानू समझ देगी ना करन दी, जदों आपां देखा कि सानू अपनी गलती लभ गई मतलब आपां सही ट्रैक ते गए हां। सो ईवन जो प्रैक्टिस वेले गलती हो भी जाती है ना उहदा कोई इन्ना वड्डा उह नहीं पालना कि मैनूं रीडिंग नहीं आती। हुन बोल। हाँ जी सर। अच्छा उस तो बाद एक मिनट कॉन्सेप्ट तो वापस आ जाइए। हाँ जी सर। सो हुन तू की कर, तेन कॉन्सेप्ट समझ लग गया, पर प्रैक्टिस भी कर ली, वैसे तेरा पहले भी काफी क्लियर सी है, अच मेरा कोई इतना कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, बट उन्होंने प्रैक्टिस भी करी और कहंदे ते मैनूं एक मिनट दस दे केड़ी केड़ी कैटेगरीज हो गईआं लिखीआं होईआं ना नाल नाल। हाँ जी सर। फर्स्ट ही हुई सी ब्लैंक्स, सॉरी ट्रू फॉल्स। सेकेंड डे ब्लैंक्स कीतियां सी। थर्ड दिन डे आपां कीते सी एमसीक्यू। फोर्थ डे आपां कीते सी लिस्ट ऑफ हेडिंग। उस तो बाद तुसीं लिया टेस्ट ते अज आपां करन दे आं मैचिंग्स, मतलब विच पैराग्राफ कंटेन। थोड़े रह गए फिर अपना अनटाइम्ड प्रैक्टिस, तो टाइम प्रैक्टिस हाँ हो जाएगा, ठीक है हाँ जी चलो ठीक है आने दो। सर। हाँ जी, हाँ जी ना बोलो बोलो। ब्लैंक्स विच मैनूं ना प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। दसो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਵਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ।
अनु मैं 1 मिनट टाइप कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट लगने फिर समझाना है, ठीक है? इट्स ओके सर। देख अधिक रही कहते पीपीटी हाँ जी, हाँ जी सर। होना, एक गर्ल है अमेरिकन हैगी है, यंग हैगी तो ब्यूटीफुल हैगी, तो अपने को पैसेज से लिखे आया राहुल मेट अ ब्यूटीफुल यंग अमेरिकन गर्ल, हाँ जी ठीक है? हुन राहुल मेट अ डैश, सब तो पहले तो जो उन्हें किया वन वर्ड ओनली, हुन अमेरिकन यंग ब्यूटीफुल होने तो पहले सब तो पहले की है कुड़ी है जड़ा था, सब तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अमेरिकन कोई भी हो सकता है, यंग कोई भी हो सकता है, ब्यूटीफुल कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि जो मेन चंद खासियत है वो की है कि कुड़ी है, पहले पा की हाँ जरा मेन चीज जी कहने की गई है कि गर्ल, सो जो वन वर्ड ओनली है फिर तो आंसर की आएगा गर्ल। गर्ल, क्योंकि अमेरिकन ने यंग ने ब्यूटीफुल ने कोई काम नहीं करना ओदे बिना, समझ रही? सो इत्थे ते लगा अपना गर्ल, जो उन्हें क्या वन वर्ड ओनली, इतों तक समझी? हाँ जी सर। उस तो बाद कई बार की होंगे है ग्रामर नू भी देखना पैंदा नाल, हुन जो उन्हें ब्लैंक दे अगे ए अपने आप ही लिख ही दिता है, तो हुन इत्थे कदी भी अमेरिकन नहीं आ सकता क्योंकि एन आन, मैं वर्ड लिमिट दी गल नहीं कीती, हाँ जी, हाँ जी, जिदा मतलब वॉवल्स नाल ऐन लगता है ना। रुक 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 वावल्स ना, नहीं वावल साउंड्स ना, ले लो रुक जाओ, जब बोल रहा हूँ तो बोलना, जी सॉरी, साउंड नाल। उन्हें कहता है कि उन दो तो बाद वर्ड नहीं लिखने, तो एक उन्हें भी लिखता है कि कहंदे ए लगा आया, मतलब हुन अमेरिकन ते आन नहीं वाला क्योंकि एन आना सी फिर, मतलब हाँ एन जी अमेरिकन गर्ल तो लिख नहीं सकती,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ। वेट सर, तो हाँ जी, रुक रुक, मैं तेन सारे पॉसिबल आंसर्स दस लगा इस केस। 1 मिनट रुक। ओके सर। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਨਾ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵਰਡਸ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈ, 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਲਿਖੋ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी, ਇਕੱਲਾ ਗਰਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਗਰਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके सर। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ, 1 ਮਿੰਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚ ਕੋਈ।
सो देखो हुण जदों तीन वर्ड की आजादी हो गई, होर भी ऑप्शन बन गई, गर्ल भी आ सकता है, यंग गर्ल भी आ सकता है, ब्यूटीफुल गर्ल भी आ सकता है। हुण ए दे नाल फर्क नहीं पैना, ब्यूटीफुल यंग गर्ल, ब्यूटीफुल अमेरिकन गर्ल, हुण अमेरिकन सब तो अगे नहीं ना है। जी सो उही इंपोर्टेंट चीज़ों को देखते हुए, ग्रामर न चीज़ों को देखते हुए अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इतने कला गर्ल भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया तेनों, दोबारा समझ लें, बाकी इन्नी कंफ्यूजन कभी क्रिएट करते नहीं। सो तू यह देखना मेनली गल कितने कर रहा, वर्ड कवर होने चाहिए है, मतलब इतने जी मेन चीज ही वो गर्ल सी, उस तो बाद हाँ जी ग्रामर हाँ जी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ जी पक्का कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया ज्यादा? सॉरी नहीं नहीं सर, मैंने लग गई समझ। एक मिनट रुक। चल ठीक है फिर, ओके सर, थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय जी।